So you do not think of losing, you think of what? Winning. Hello everyone. Last video में actually हम लोगों ने एक record किया था जिसमें हम लोगों ने अपने आप को wake up किया था. उठे थे, है ना? और उठते ही अब दिमाग में सवाल ये आएगा, अरे पढ़ाई कितना करना है, कितना syllabus बाकी है, कितना हो गया है, कितना घंटा पढ़े हैं आप. सबसे पहले सवाल तो फिर ये आता है दिमाग में, अरे उसका तो 95 आया, 95 लाने के लिए तो फिर वो 8 घंटा पढ़ता होगा, 10 घंटा पढ़ता होगा, कितना पढ़ाई करता होगा, समझ में नहीं आता है. तो कितना घंटा पढ़े, आज हम लोग सबसे पहले इसी के लिए डिस्कस करेंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक क्लियर इसका एक सॉल्यूशन है, किसी के लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, किसी के लिए कोई फिक्स्ड मंत्रा नहीं है. तब भी सर क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये तो बताना पड़ेगा ना. तो इसका एक सिंपल सा मैंने ये आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप किया है. क्या, सुनिएगा ध्यान से. आप लोग पहले अपने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिएगा. सबसे पहले क्या काम करेंगे, सिलेबस को, सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट आप लोग एक जगह पर पहले लिख लीजिएगा. उस पर एक रफ आइडिया एक बना लीजिएगा कि हाउ मच टाइम से मेरा मतलब ये हुआ डेज, आप कितने दिन किस टॉपिक को देना चाहते हैं. जैसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिपिकल टॉपिक है, उस पर ज्यादा टाइम. स्टूडेंट्स एक बात इतनी समझ लीजिएगा, किसी भी टॉपिक से घबरा करके भागिएगा नहीं. सब कुछ पढ़ना है, 90 मार्क्स सिक्योर करना है. अगर 95 का अगर सपना देखना है तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक चैप्टर छोड़ दिया या आपने एक सर्टेन टॉपिक छोड़ दिया. अगर आप वो टॉपिक छोड़ करके रखेंगे तो फिर आप कभी 90-95 नहीं पा पाएंगे, और क्या पता वही टॉपिक उस बार ज्यादा पूछ लिया जाए. सो कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है. जो कॉम्प्लेक्स है हम लोग उस पर ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, जो ईजी है उस पर थोड़ा कम टाइम डिवोट करेंगे. ये नहीं जो ईजी है मजा आ रहा है करने में, सॉल्व हो रहा है या याद हो रहा है या रटा गया है तो उसको चलो बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं, हमको सारे ही चीजों को एक जैसी तैयारी करके जाना है. और एक जिस तैयारी से मतलब है बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है कि नहीं, राइट? सो स्टूडेंट्स आपको यहां पर ये डिवाइड करना है कि हाउ मेनी डेज इज रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉपिक. जस्ट मेक अ मैप ऑफ दैट. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यू वॉन्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल जनवरी, एटलीस्ट वंस एक बार रिवाइज हो जाए, सो दैट इन फरवरी यू हैव वन मोर मंथ ऑफ टाइम. सो अगर आज मैं कहूँ कि स्टिल यू हैव 20 डेज ऑफ दिसंबर and 30 days of January, ठीक है, so roughly you have 50 days. So divide all the subjects, topics in this number of days. This is going to take some time. एक दिन हो सकता है आपका कि इसी time schedule में लग जाए, मगर बहुत जरूरी है कि आप देखें. जैसे for an example एक बार फिर से मैं discuss करूँगा. Suppose partnership, partnership का जो chapter 1, 2, 3, 4 you have many chapters, ठीक है. अब उसमें chapters में भी you have different kind of topics and all, ठीक है. अब सपोज करो आपने कहा कि मेरे को चैप्टर 1 जो है वो 2 दिन में कंप्लीट करना है, उसमें भी मेरे लिए जो सबसे टिपिकल टॉपिक है वो एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक है जिनमें मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है. सो मैं इस पर एक दिन डिवोट करना चाहता हूँ, बाकी टॉपिक्स को मैं एक दिन में कंप्लीट करना चाहता हूँ. सो ऑल दिस नीड्स टू बी प्लान्ड वेल, यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ प्लानिंग. ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी एन एग्जैक्ट प्लानिंग, एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं होगा, बट दिस विल गिव यू अ रफ आइडिया. एक रफ आइडिया तो फिर एक डेवलप हो ही जाएगा कि हम कितने टॉपिक्स को कितने समय में कितने दिन में कैसे करके कंप्लीट कर सकते हैं. अच्छा, आफ्टर यू राइट डाउन दिस थिंग्स, ठीक है, देन ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट अचीविंग योर टारगेट्स. बिकॉज जैसे ही आप ये प्लान बनाते ना हैं, आप ये डेज डिवाइड करते हैं और सारी चीजें करते हैं, आपने कहा कि मैं 2 दिन में उसको रिवाइज करूंगा, 3 दिन में उसको रिवाइज करूंगा. अब वो 2 दिन का टारगेट उठाओ और उसको 2 दिन में कंप्लीट करके दिखाओ, या आप 3 दिन का टारगेट उठाओ और फिर 3 दिन में अचीव करके दिखाओ. एक साथ आपके 70 मार्क्स से 95 नंबर नहीं आ जाते, आपको स्मॉल पीसेस में वर्क करना पड़ता है कि नहीं. आपको रोज थोड़ा 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 अगर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो फिर आप एक दिन 70 से 95 तक भी आ सकते हैं, आप 10-15 से भी 95 तक भी आ सकते हैं. एक शॉर्ट स्टोरी, मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड था,
जिसने सेकेंड प्री बोर्ड में जो कि अराउंड जनवरी के टाइम पर होता है उसने बीएसटी के सब्जेक्ट में ही सिक्योर्ड ओनली 15 मार्क्स बट इन द बोर्ड एग्जाम्स ही इवेंचुअली सिक्योर्ड 95 नंबर और ऐसा नहीं था कि उसने किसी सब्जेक्ट और में कम नंबर पाया था ही सिक्योर्ड इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स सो व्हाट ही डिड वाज एक्सेप्शनली गुड प्लानिंग समझ में रखनी दैट यू ऑल कैन डू वाइल यू स्टार्ट अचीविंग योर टारगेट्स यू हैव टू स्टडी वाइल स्टडिंग देर आर फ्यू स्मॉल स्मॉल टिप्स which I want you all to write down, ठीक है आप लोग उसको लिख लीजिए don't study for long hours, 3 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए चलो एक साथ बैठ जाते हैं 6 घंटे पढ़ाई करना है 6 घंटे चलो एक साथ बैठ जाते हैं एक इफेक्टिव टाइम होना चाहिए सपोज अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं सो दैट मस्ट बी इफेक्टिव इफेक्टिव मीन्स नो मोबाइल फोन्स नो small breaks in between if you are studying for 1 hour if you are studying for 30 minutes that is also good depends on each and everyone's concentration power har kisi ki concentration ki power bhi alag alag hoti hai koi 30 minutes se zyada concentrate nahi kar sakta koi 1 ghante se zyada concentrate nahi kar sakta so don't go for long hours bahut lambe ghanton ke liye sath padhai karne ke liye mat jaiyega study in batches you can study for 30 minutes also magar wo 30 minutes kya hona chahiye apna इफेक्टिव ठीक है देन टेक ब्रेक्स इन बिटवीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक ब्रेक्स इन बिटवीन बीच बीच में छोटे छोटे से ब्रेक्स लीजिएगा 30 मिनट पढ़ने के बाद में 2 घंटे का ब्रेक नहीं चलेगा 30 मिनट पढ़ने के बाद में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक अलाउड है फिर उसके बाद में अगेन स्टडी फॉर 30 मिनट्स ऑब्वियसली वेन यू डिड यू अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टडीज देन यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक लाइक 3 घंटा पढ़ लिए यू कैन टेक अ स्मॉल नैप और यू कैन गो फॉर क्रिकेट या आप कोई गाना वाना सुनना पसंद करते हैं मूवी देखना पसंद करते हैं कोई सीरियल देखना पसंद करते हैं यू कैन डू ऑल दैट बट अब से हमारा जो 24 आवर्स है वो पूरा प्लान्ड होना चाहिए ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेरे लिए है वो यही है डू सम रिलैक्सेशंस एंड एंटरटेनमेंट बिकॉज दिस विल कीप यू इंटरेस्टेड है ना क्यों रिलैक्स करना बहुत जरूरी है क्यों एंटरटेन करना बहुत जरूरी है सो दैट यू कीप इंटरेस्टेड इंटरेस्ट आता रहे पढ़ाई के अंदर में ठीक है फिर आप लोग एक काम और कर सकते हैं ड्रिंक वाटर इन बिटवीन सो ड्रिंक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है सो दैट आपका कंसेंट्रेशन भी एक बना रहे सो वाटर कैन हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर कंसेंट्रेशन सो ड्रिंक वाटर इन बिटवीन आई यूज टू प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ मतलब योगा 2 मिनट 5 मिनट भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने कर लिया एंड दैट रियली हेल्प मी मतलब वो फिर 30 मिनट्स तक ना मेरा कंसंट्रेशन बनाने में बहुत हेल्प करता था यू हैव टू बी वेरी मतलब जो है यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं हमको 30 मिनट तक अपने दिमाग को एक जगह पर स्थिर बना करके पढ़ाई करना ही करना है सो फॉर दैट आप लोग अपने लिए जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं यू कैन प्रैक्टिस सर्टेन काइंड ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस ऑल्सो इफ यू वॉन्ट यू कैन डू एनीथिंग आज जैसे अगर मेरे को अगर क्लासेस लेना होता है कोई अगर टिपिकल टॉपिक पढ़ाना होता है व्हाट आई नॉर्मली डू इज आई प्ले अ स्मॉल गेम ऑफ चेस मैं मोबाइल पर ही ना एक चेस का गेम खेल लेता एंड ऑब्वियसली वेन एवर आई डिलीवर द लेक्चर्स माई लेक्चर्स बिकम गुड उससे होता क्या है मैंने गेम खेल लिया चेस का 5 मिनट तक मैंने कंसनट्रेट कर लिया सो अब मेरा कंसनट्रेशन वापस आ गया अपनी जगह पर आ गया So you can do any kind of small exercise that helps you in retaining your concentration. बहुत जरूरी है जितना पढ़ो कम भी पढ़ोगे ना इफेक्टिव पढ़ोगे तो नंबर ज़्यादा आएगा मगर अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे और ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर नंबर कम आएगा समझ में आ रहा है कि नहीं और दुनिया आपके मेहनत को नहीं देखेगी नंबर्स को देखेगी समझ में आ रहा है कि नहीं सो अनदर थिंग दैट यू कैन राइट इज प्रैक्टिस योगा मेडिटेशन और एनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिफोर स्टार्टिंग स्टडीज लास्टली टू फिनिश मैं एक बात कहना चाहूंगा अगर आप किसी भी काम को करने में एंजॉय करते हैं ना तो आपको फिर वो करने में आप टाइम नहीं देखते आप उसका समय नहीं देखते आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं आप उस चीज़ को इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं ठीक है सो इन्जॉय योर स्टडीज़
हैव फन, इतना समझ के रखिएगा कि ट्वेल्थ बोर्ड इज लाइक योर गेम। जैसे हम लोग गेम्स नहीं खेलते हैं, यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स, आप में से कुछ स्पोर्ट्स खेलते होंगे, कुछ लोग कोई और गेम खेलते होंगे, कुछ लोगों ने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा। सो हाउ यू प्रिपेयर फॉर दैट? यू गेट एक्साइटेड, यू वर्क हार्ड फॉर दैट। आप उसमें समय नहीं देखते, आप उसमें अपनी मेहनत नहीं देखते, अपनी थकान नहीं देखते। जितना हो सकता है ना, यू पुट योर एफर्ट्स। रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक, योर कैपेबिलिटीज, लक टू सम एक्सटेंट, ठीक है, वो सारी के सारी चीज़ें तो फिर बात के फैक्टर्स हैं। बट वॉट यू नीड टू डू इज इन्जॉय। ये सोच करके पढ़ना कि मार्च में मेरा बोर्ड्स का एग्जाम है, आई हैव टू अपीयर फॉर दैट पेपर, मैं उसमें सबसे अच्छा करूँगा, मैं उसमें ऐसा कर सकता हूँ, तो उससे हमको क्या बेनिफिट होगा, क्या चीज़ें होंगी, जब आप उसके बारे में सोचेंगे ना, एंड नॉट फियर अबाउट अगर मैंने खराब किया तो फिर उससे क्या क्या नुकसान होगा। जब हम किसी के पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के सोचते ना, स्टार्ट इन्जॉइंग दोस थिंग्स। हमको पता ना कि अगर आज हम क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, जीत जाएंगे तो फिर मजा आएगा, चलो हार जाएंगे तो फिर अपनी पतली गली पकड़ करके निकल जाएंगे, ये ना होता है कोई। सो यू डू नॉट थिंक ऑफ लूजिंग, यू थिंक ऑफ व्हाट? विनिंग। सो थिंक ऑफ विनिंग, एंजॉय योर लर्निंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।